लेकिन सर ये भारत को तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है और फिर ये तीन तलाक का और ये धर्म पे ऐसे इस तरीके का अटैक हो रहा है, इसका क्या ये मतलब है? देखिए भारत कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट है कि हमारा जो संविधान जो हमें राइट देता है कि आप अपने मजहब की तरफ, जब मुसलमान किसी के धर्म पर मुदाखलत नहीं करता है तो फिर मेरे धर्म पर मुदाखलत क्यों जी? मुसलमान को ये एकदम पहले ही हमने हिंदुस्तान को चुना है जनाब, पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ। आपने हिंदुस्तान को चुना या भारत को चुना, ये एक बड़ी विडंबना वाली बात है कि हिंदुस्तान की बात करते हैं हम हिंदुओं के उसकी बात करते हैं और एक तरफ हम भारत की बात करते हैं, आपने हिंदुस्तान को चुना या भारत को चुना है? बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा है कि ये जो है भारत और हिंदुस्तान, अगर भारत को अगर हम कह दें कि भारत से भारत है तो उसको भी मुसलमान एक जो है अपने कंधे से कंधा मिलाकर के हिंदुओं के साथ चलने का काम कर रहा है, और उस वक्त जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जिसको इंडिया का नाम दिया गया और आज है, तो मुसलमान चाहे भारत हो चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी मज़हब से लिया कोई भी नाम उसको दे दिया जाए, लेकिन मुसलमान मुसलमान जहाँ पर है जिस मिट्टी में रहता है उसी की वफादारी कर करके रहेगा, और हमारे कानून में हमारे इस्लाम के अंदर में जो कुरान में भी यही हुक्म है कि हम जिस मिट्टी में रहें हम उसकी वफादारी करें। तो फिर हमारे ऊपर ये बार बार जुल्म क्यों हो रहा है? हमने हिंदुस्तान को चुना है, हमने इंडिया को चुना है, हमारे आबाओ अजदाद जो पुराने लोग थे वो सब चले गए पाकिस्तान के अंदर में और हम बाई चॉइस इंडियन है, हम हिंदुस्तान को चुनते हैं और चुन करके यहाँ पर रह रहे हैं, और ये साजिश के तहत हिंदुस्तानों को इस तरह से दबाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? तलाक सलासा पर आपने जो स्टैंड लिया है, तलाक सलासा पर आपने औरतों को घेरा है, आप उनको नंगा करना चाहते हैं, ये आपकी साजिश है, आप मुसलमान औरतों को नंगा देखना चाहते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी आप बताइए कि आपने आपको मुसलमानों के महिलाओं से कैसे आपको इतना ज़्यादा हमदर्दी हो गया, आप अपनी बीवी किससे जाकर के हमदर्दी क्यों नहीं जताते हैं? आप अपनी बीवी से हमदर्दी जताते हैं? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस वक्त आपको, आपको शर्म नहीं आती है कि आप मुसलमानों को बार बार पिंच करते हैं और आपके पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो जो है हमेशा मुसलमानों के ऊपर में उंगली उठाते रहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन सर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शहनवाज हुसैन जी हैं और नकवी साहब हैं, उनका क्या मायना है? ये सर पिछलग्गू हैं, इनको हम मुसलमान नहीं कह सकते, ये एकदम ये मुसलमान है ही नहीं। हम मुसलमान शरीयत को मानता है, मुसलमान रसूलुल्लाह के बनाए हुए शरीयत को मानता है, जो आदमी शरीयत को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है हमारी नज़र में। वो देखिए हिंदुस्तान के अंदर में दो तरह के आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी दंगा फसाद चलता रहता है, हिंदुस्तान में भी ये लोग पैदा करना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर में दोनों मुसलमान में चाहे वो सुन्नी हो चाहे बरेलवी हो चाहे किसी भी फिरके बिरादरी का मानने वाला हो, सब एक है हिंदुस्तान के अंदर में, और इसमें मुनज़्ज़म तरीके से ये मतलब एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों को तोड़ने की साजिश चल रही है। सर जब से बीजेपी ये लोग हैं, यही बीजेपी के जो लोग हैं जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और ये मुसलमान के हम कहते हैं कि मुसलमान का एक नाम होने के नाते ये मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और बीजेपी के जो मैंने इशारे पर चल रहे हैं। लेकिन सर लव जिहाद क्यों नहीं है? लेकिन सर अभी जैसे अभी आपने बताया कि जब से बीजेपी सरकार आई है अधिकतर इसमें दलित और मुस्लिम ही एक पीछे जा रहे हैं और दलित मुस्लिमों को ही पछाड़ा जा रहा है आपस में इस तरीके का। अभी सहारनपुर के भी अंदर कांड हुआ तो उसमें भी दलितों को मारा गया और दलितों के घर जलाए गए, उसी तरीके से मोमडनों पर बार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि देखिए आपका जो बीजेपी हुकूमत है उसके पास वो चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अटैक डायरेक्ट नहीं कर सकती है, वो अपने एक विंग से आरएसएस के थ्रू वो अटैक करवा रही है, और ये आज से नहीं है, मुसलमानों दलितों पिछड़ों इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको जो अटैक हो रहा है ये बीजेपी वाले डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो सत्ता में बने रहना है, उनको तो सत्ता में बने रहना है, वो अपने एक विंग है आरएसएस, और आरएसएस आज से नहीं हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले मुसलमानों दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों जितने भी पिछड़े वो लोग हैं उस सब का जो है ना वो मतलब दुश्मन बना हुआ है शुरू से डे वन से, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये आरएसएस वाले से कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम भारत का झंडा क्यों नहीं फहराते हो, तुम्हें नफरत क्यों है भारत के झंडे से? आज तुम हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के और फला के बहुत खैरख्वाह बने हुए हो और कहते हो कि मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है और हम उसको बचाने के लिए आए हुए हैं। माफ़ कीजिएगा मैं आपको एकदम स्पष्ट बताता हूँ, मुसलमान के लीडर मुसलमानों के जुल्म को बर्दाश्त कतई नहीं कर सकता है बीजेपी हुकूमत में, और ख़ास करके मुस्लिम लीग, आज जो मुस्लिम लीग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद 70 साल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा मुस्लिम लीग मुसलमानों के मसाइल पर और दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के मसाइल पर
आवाज़ बुलंद करती रही है और कभी पार्लियामेंट खाली नहीं रहा, और आज भी और कल भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों दलितों और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करती रहेगी।